आज लर्न करने वाले हैं ऐसे वेज जिनसे हम इजीली इटालियन लर्न कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिथ हटा दीजिए कि इटालियन लर्न करना बहुत हार्ड है। इट्स वेरी इजी गाइज, अगर फनी वे में आप लर्न करते हैं तो। मेरा अभी A1 लेवल कंप्लीट हो चुका है इटालियन में, अब मैं हूँ A2 लेवल में और जल्दी ये लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने जो मिस्टेक्स करी है मेरे पास 2 ईयर्स में, मैं नहीं चाहता कि आप लोग करें। तो फर्स्ट ईयर से ही लर्न करने लग जाइएगा इटालियन लैंग्वेज। वैसे भी ये बहुत ही एक एड ऑन बेनिफिट करेगी आपके CV में भी, और आपको एक लैंग्वेज आ जाएगी एड ऑन, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। और गाइस बहुत ही ईजी है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। तो एक लैंग्वेज एक्चुअली आपको जब यहाँ पर आप आएंगे तो आपको बहुत ही यूजफुल होगी ये लैंग्वेज, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स के नेम्स और बहुत सारे पोस्टर्स आपको सारे इस पोस्टर जैसे दिखेंगे इटालियन। तो आप यहाँ पर आके कंप्लीट ब्लैंक ना हो, एटलीस्ट आपको कुछ समझ आए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग बेसिक इटालियन लर्न करें। तो बेसिक इटालियन लर्न करने के लिए मैं 3 वेज बताऊँगा। सबसे पहला ऐप बताऊँगा, जैसे कि आप सभी को मालूम है कोई भी लैंग्वेज आपको लर्न करना हो तो Duolingo ऐप से आप लर्न कीजिए, क्योंकि इससे आपकी वोकैब इंप्रूव हो जाएगी। एक बार आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग आने लग जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। यू नो, जैसे हमारे आसपास क्या है, शूज़, ड्रेस, और ये सारी चीज़ों की मीनिंग जानिए कि उसे इटालियन में हम क्या कहते हैं। और गाइस यू नो Duolingo की बेस्ट बात क्या लगती है, जैसे ही मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ कभी कभी तो वो मुझे बोल देती है Duolingo, मेरे उसमें नोटिफिकेशन आ जाता है कि Dipanshu यू डिडंट प्रैक्टिस टुडे। तो बहुत ही मुझे कहीं ना कहीं बहुत सही ऐप लगी वो। सेकेंड वे वो बताऊँगा मैं आपको, वेब सीरीज। गाइस एक वेब सीरीज आपको रिकमेंड करता हूँ, उसका नाम है स्कैम इटालिया। उस वेब सीरीज को आप जरूर देखिएगा, रोम बेस्ड वेब सीरीज है और हम जैसे यूथ के ऊपर ही बेस्ड है। तो उसमें आपको लाइक कंप्लीट इटालियन में रहेगी वेब सीरीज और उसमें इंग्लिश सबटाइटल्स रहेंगे, तो इंटरेस्टिंग भी रहेगी और देखने में भी मजा आएगा। तो इस तरीके से उस वेब सीरीज से आप आपकी लिसनिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि अगर कोई इटालियन आपके आसपास कुछ बोल रहा है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा समझ सको। थर्ड वे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है यूट्यूब चैनल। YouTube चैनल पर एक चैनल का नेम है Dolce Vita, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं इटालियन के लिए। उनके पास कंप्लीट PDF की वर्कबुक्स है कि पहले फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, और लेसन वाइज आप ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन सीख सकते हैं। तो हुआ ना 3 कॉम्बो, लाइक पहले Duolingo से वोकैब इंप्रूव करो, वेब सीरीज से आप आपका लिसनिंग स्किल्स और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सेंटेंस फॉर्मेशन सीख सकते हैं, और थर्ड यूट्यूब चैनल से आप सीख सकते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन। तो ये 3 वेज मुझे इजी लगे और मैं भी इन 3 वेज को ही फॉलो कर करके जितनी भी मुझे थोड़ी बहुत इटालियन आती वो सीखा हूँ। तो इस तरीके से आप लोग भी इटालियन सीख सकते हो। और यहाँ पर अगर कुछ करना हो, अगर आपको गर्लफ्रेंड बनाना हो या बॉयफ्रेंड बनाना हो, तो आपको इटालियन आना बहुत ज़रूरी है। तो ये कीप इन माइंड, ओके। और बाकी बहुत यूज़ आता है गाइज इटालियन का, लाइक अगर आप लोग सीख जाते हैं तो सीरियसली यार बहुत अपने आप में आपको लगेगा कि यार मैंने कोई एक नई लैंग्वेज सीख ली है, वो प्राउड फील करोगे आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं सीखते हैं और फिर वो कन्वर्सेट नहीं कर पाते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपके साथ आप लोग फेस ना करें, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए। जब भी आप लोग इटालियन लर्न करिएगा तो उसे फनी वे में लर्न करिएगा और ग्रामर पे फोकस ना करिएगा। नंबर्स को लर्न करिए सबसे जल्दी, तो उनो, दुए, त्रे ऐसे नंबर्स होते हैं, 50 तक एटलीस्ट लर्न कर लीजिए। और उसके बाद वर्ड्स के प्रोनंसिएशन पे फोकस कीजिएगा। जैसे यहाँ अब हमारी इंग्लिश में जो बोलते हैं हम ए, उसे यहाँ पर बोलते हैं आ, तो इन थोड़े वर्ड्स में आप प्रोनंसिएशन को तो यहाँ पर आके आप सीख जाएंगे। इंडिया से सिर्फ आप थोड़ी बहुत बेसिक इटालियन सीख कर आए तो वो आपको यहाँ पर बेनिफिट करेगी। और आपको यूनिवर्सिटीज़ में भी इटालियन क्लासेस होती है, फ्री इटालियन क्लासेस, तो वहाँ से भी आप यहाँ आने के बाद तो सीख ही जाएंगे धीरे धीरे। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और थैंक यू, बाय बाय।